आज हम जो ये हाल ही में दो आतंकवादी हत्याएं कश्मीर में फिर हुई हैं, शाल कदल हबा कदल एरिया में, जहां पे दो लोगों की हत्या की जो लेबरर्स थे, इसके संदर्भ में हम फिर से आपसे कहना चाहते हैं कि ये घटनाक्रम चल रहा है, सिलेक्टिव किलिंग्स अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स ये चल रही है, एक जिनोसाइडल एटमॉस्फेयर वहां पे है। भारत सरकार इसके स्वरूप को मानना नहीं चाहती है, भारत सरकार इनको छुटपुट घटनाएं मानता है, इसलिए भारत सरकार को जो एक व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए इस आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जब आतंकवादी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करते हैं, वहाँ पे भी गवर्नमेंट की जो असफलता है आपके सामने है, और सॉफ्ट टारगेट जो सिविलियंस वहाँ पे हैं, और हर एक सेगमेंट के सिविलियंस, जो कश्मीरी हिंदू वहाँ पे रहता है, जो कश्मीरी हिंदू वहाँ पे वहाँ से निकला नहीं, जो हिंदू वहाँ पे नौकरी करता है, जो हिंदू वहाँ पे लेबरर बन के जाता है, हर एक वर्ग को उन्होंने निशाना किया है। और आपने एक बार भी नहीं देखा होगा कि भारत सरकार की तरफ से इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया कि ये जो आतंकवाद है एक जिनोसाइडल आतंकवाद है, जाति विध्वंस का एक आतंकवाद है, और हम इसको समूलता से नष्ट करेंगे। जो ये कहा जाता है कि इकोसिस्टम को हम टारगेट करेंगे, अगर आप आतंकवाद के वैचारिक स्वरूप को मानना ही नहीं चाहते हो, आप इकोसिस्टम को कैसे खत्म करोगे? क्योंकि आतंकवाद के वैचारिक स्वरूप को नहीं मानना, यही तो इकोसिस्टम को जन्म देता है, उसके बाद बाकी सारी घटनाएं होती हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि हालात बिगड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय माहौल भी बिगड़ रहा है, पान इस्लामिक जो आइडियोलॉजी ये इसकी एक नए सुपुर्ती के साथ आगे आ रही है, ऐसी घटनाएं और घटेंगी, और अगर आप इसी वक्त अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, आगे आने वाले समय में जो भी जघन्य अपराध होंगे उसमें आपकी भी भागीदारी होगी, आप भी रिस्पॉन्सिबल वैसे ही होंगे जैसे बाकी लोग हैं।